इस प्यार को क्या नाम दूं। फ्लाइट टाइम पर थैंक्स। अरे आइए दी, आप ही के लिए तो फ्लाइट रुकवा के रखी है। चुप करो, हमारे दोनों भाई जितनी मेहनत करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारा मजाक उड़ाते हैं। काम पे जा रहे हो, सब शुभ हो। दिल लगा के काम करना है। मन तो यहाँ होगा, आप लोगों के पास। अब काम कैसे होगा? इतने भीग भीग आंसू बह रहे हैं कि दो ये मिनट में तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी। माँ, सिर्फ 7 दिनों के लिए तो जा रहा हूँ। अरे बिट्टुआ, एक माँ के हार्ट से पूछ, इस 7 दिन हमको कुतुब मीनार जितना लंबा लग रहा है। काहे तक काम करे तो? माँ, इस सवाल का जवाब आपको मुझे देखकर नहीं, भाई को देखकर समझ आ जाएगा। और वैसे भी भाई इतनी मेहनत करते हैं, भाई ने इतना जरूरी काम दिया है मुझे, खरा तो उतरना मेरा काम है ना। यू ही ना बात, ये होवते संस्कार। दोनों भाई जैसन एक ही गाड़ी का पहिया, हमेशा एक साथ चलत है। अब अंजलि बिटिया, हमरे खातिर जरा मट्ठा बना दीजिएगा। जी नानी, अभी लाते हैं। अच्छा बिटवा, सब सामान ले लिए हो ना? महेंद्र, आप जरा कमरे में एक बार चक्कर काटाइए, कुछ छूट गया हो तो लेते आएगा। जी अम्मा। एक मिनट, भौरिया की नजर जरा तेज है, उन्हें भी ले जाइए। चलो भाई। अरे बिटवा, ये आइएगा। बैठिए। आप तो अर्णव के बारे में सब जानते हैं। आपके और अर्णव की बचपन से दोस्ती जो है, वो तो है दा। तू ये बताइए, छोटे की कोनो वो का कहते हैं, गर्लफ्रेंड है का? दादी, जल्दी से बताइए। दादी, हाँ, उना भाई की ऑफिस में ना एक का भी नहीं है, एक भी लड़की नहीं है दादी। भाई को टाइम ही कहाँ मिलता है। नानी जी, मट्ठा रख दीजिए और हमरे कमरे से 3-4 तुलसी की पत्तियां ले आइए। जाइए। आपने कोनो कश्यप नाम सुने? नहीं दादी। लेकिन तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तो का भैया निकले के पड़ी ना, तो रास्ता में जाम लग जाएगा। हाँ बिल्कुल। दादी जी, तेरे हमका बुद्धू है, ये सब जरूर कोई बात छुपावत है। थैंक गॉड मेरी एलर्जी थोड़ी सी कम हो गई। यू नो, कल मुझे बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, मैं इतनी परेशान थी और पसे मेरे ड्रेस पे केक गिर गया। और डॉल, जब तुम मुस्कुराती हो कितनी अच्छी लगती हो, 5 मिनट पहले कितनी परेशान थी, वो केक ना, आई टेल यू। पर पता है, अर्णव के लिए ना मैं से 1000 केक खा सकती हूँ, और तुम वो अपॉइंटमेंट रेडी रखना। ओके, आप अभी तक यही है, एक साथ में आपको बुलाया था, सोनिया ने आपको बताया नहीं। सोनिया, उसने कब से ऑफिस ज्वाइन किया? आज से। व्हाट? ये कार्टून अभी तक यहाँ क्या कर रही है? भगा से। कम इन। लवन ने वो फाइल्स मेरे लैपटॉप पर अभी तक डाउनलोड की नहीं है। सर, हो गया। तुम कौन? सोनिया, लावण्या मैम की असिस्टेंट, आज ही ज्वाइन किया। लावण्या, कहाँ थी तुम? तुमने मुझे मेहता एंड मेहता ग्रुप की गलत फाइल दे दी, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। ये बिजनेस तुम्हारे फ्रेंच परफ्यूम से नहीं, मेहनत से चलता है। सर, कहीं ये तो फाइल नहीं। राइट, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल तुम यहाँ भूल गए? इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकती तुम, जो तुम्हारी असिस्टेंट ने 1 मिनट में कर दिया। थैंक्स।
डेयर यू, तुमने ए सर के केबिन में डायरेक्टली एंट्री कैसे ली? तुम समझती क्या अपने आप को? यू नो व्हाट, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मेरे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू आंटी। आंटी गेट लास्ट। हेलो, हाय, बाय बाय। इतना बड़ा फ्लावर का गुलदस्ता, क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया सेंटिया रहा है भाई। अरे अंजलि, अंजलि, अरे कोई है घर में कि सब हमारे नाम पे करके तीरथ चले गए? हमारे लिए भेजा है का? जिसके लिए भी हो, ये लो, ये घर की मिस्ड कॉल। अरे तोका कौन बुलाया है? तोका किसने बुलाया है? हाँ, बुड़बक कहीं की भागी यहाँ से। अरे कब से तुका बुलाए रहे हैं? टीलेन पकड़ के आ रही थी का? मामी वो एकादशी है ना आज, इसलिए हम पूजा की तैयारी कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, लागत है तभी एकादशी की खातिर कोई हमारे लिए गुलदस्ता भेजा है। लेकिन वो छोरा तो अर्णव का नाम ले रहा था, कौन भेजा है? ये देखो। लावण्या ने भेजा है। हेलो, हाय, बाय बाय। जा जाए के तनी नानी को एक गुड न्यूज दे दो कि उका फूल बनाई है। हमरा मतलब है उके लिए फूल भेजी है, उके होए वाली बहुरानी। मामी जी प्लीज, हम नहीं चाहते कि नानी को इस गुलदस्ते के बारे में कुछ पता चले। अब का हुआ अंजलि? ये लक्ष्मी का है, बहरा है रही है। ये का है? फ्लावर का गुलदस्ता। ये कहां से आया? डोर से आया है, और कहां से? ये बताइए, ये किसने भेजा है? था तू थोड़ी ही ना भेजी है वो तो मामी। अरे हम पूछत है कि कौन भेजे है ये गुलदस्ता, इसमें कागज तो लगा होगा ना? नानी नोट पे भी नहीं लिखा, पता नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं लिखा, देखो तो। का लिखा है इसमें? फार माय लव, मुई लक्ष्मी नाम तो खाई गई है। नानी किसी क्लाइंट ने भेजा होगा। या कौनो लड़की ने? आप जरा ठहरिए, आपकी खबर तो हम अंदर जाकर ले बताएंगे। लक्ष्मी, मामी हम गुलदस्ते को वास में लगा के आते हैं और अर्णव की खबर लेते हैं। यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, एक इंसान से मिलने के लिए राशन की कतार से भी लंबा इंतजार है। देवी मैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो धावा बोल दो, लखनऊ में सारी सरकारी काम ऐसे ही चलते हैं, क्या पता यहाँ पे भी। Excuse me, मेरी रिंग रोड की डीटीसी सिग्नल तोड़ के कहाँ जा रही हो? जी? सुनो, मेरी दिल्ली मेट्रो कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी? देखिए प्लीज, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखो अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। सिक्योरिटी? देखिए प्लीज प्लीज, आप सिक्योरिटी को मत बुलाइए। आप समझ क्यों नहीं रहे, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो इन्वेंटरी वाले संजय जी है ना, उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा। नो वैकेंसी, पर मुझे तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था। ग्रेट, उस लेटर को फाड़ के फेंक दो, क्योंकि ये जॉब तुम्हें नहीं किसी और को मिल रहा है। किससे? यही है हम।
इनक्रेडिबल इसे क्या ए चमकीली क्या नाम है तुम्हारा हम खुशी गुप्ता नमस्ते फैंटास्टिक आज से तुम मेरी नई असिस्टेंट ओके ये जॉब तुम्हारा क्या नहीं नहीं हमारी नौकरी वो इन्वेंटरी वाले एक्सक्यूज मी तुम्हें कौन सी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा गेट लॉस्ट इस ऑफिस में तुम्हारा 5 मिनट का एक्सपीरियंस खत्म हुआ तुम जा सकती हो हाँ तुम इस चमकीली मैं हूँ ला वन या सब मुझे ला बुलाते हैं पर तुम मुझे मैम बुलाओ ला मैम ओके मैं ला और ये पैम नमस्ते सेम नमस्ते अगर 1 मिनट में तुम्हें अपना पीए बना सकती हूँ तो 2 मिनट में अपने सारे ऑफिस में फोन करवा सकती हूँ इन्वेंट्री हो या गोडाउन तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा मेरी ये फ्रेंच नेल पेंट सूखने से पहले तुम डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हें ये जॉब चाहिए या कोई जॉब नहीं लेकिन हाँ या ना चमकी इस प्यार को क्या नाम दूँ